सलमा, तुम वंडरफुल, तुम लोग कहाँ हो? अकरम भाई कहाँ है? मैंने असलम भाई ने तुम्हें ढूंढने के लिए आधे पांव खिसा लिए। असलम भैया हमें ढूंढ रहे हैं? ओ यस, वो तुम लोगों के गम में नीम पागल हो चुके हैं। आओ मैं तुम्हें उनसे मिला दूं, आज वो मेरे घर दावत पे आ रहे हैं। सच? 100% सच। आओ तो सही, आओ। तुम चुपचाप ऊपर के कमरे में बैठ जाओ, थोड़ी देर में असलम भैया आने वाले हैं। जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो एकदम बाहर आ जाना, तुम्हें अचानक देखकर उन्हें बड़ी खुशी होगी, समझी? आओ ऊपर चलो। सलमा को धोखे से यहाँ ले आया हूँ और आज मैं उससे तुम्हारे सारे बदले ले लूंगा। Oh, I see. सलमा के साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे इजाज़ से तलाक दिलाने वाली यही लड़की है, लिहाजा इसका काम तमाम कर दिया जाए। वंडरफुल, यानी तुम मुझे कातिल बनाना चाहती हो? सलमा को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो गई हो, अस्पतालों में ढूंढा होता। तमाम अस्पतालों में फोन कर चुका हूँ, उसका कहीं पता नहीं। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई वो बेचारी? न जाने आपने किस दिल से शादी की इजाजत दी थी कि सर मुंडाते ही उले पड़ गए। तुम चुप रहो जी। हो गया जी। और गौर से सुन लीजिए, कल से सलमा की तलाश में आपको भी जाना पड़ेगा। बहुत बेहतर, मैं तो शहर का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। दख्त तो मामूली है, फिर ये बेहोश क्यों हो गई? फिक्र ना कीजिए, थोड़ी देर तक ये होश में आ जाएंगे। आंखें खोलिए। देख सकता हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई डॉक्टर, मेरी आंखें वापस आ गई, मैं देख सकता हूँ। खुदा का शुक्र है, आपका ऑपरेशन कामयाब रहा। आपको आंखें मुबारक हो अकरम साहब।
संदल ये सब एजाज साहब और बेगम साहबाई की तो मेहरबानी है। एजाज साहब नहीं आए, सलमा भी नहीं आई। एजाज साहब सलमा बहन को ढूंढने गए हैं, न जाने वो कहाँ चली गई। सलमा कहाँ चली गई यही तो पता नहीं चलता सरकार। सेठ साहब और एजाज साहब उसे दिन रात ढूंढ रहे हैं। वो कहीं असलम के पास न चली गई हो। छोटे साहब वहां भी ढूंढाए, पता चला है कि असलम साहब पहली कोठी छोड़कर किसी दूसरी कोठी में चले गए हैं। तो फिर सलमा कहाँ चली गई, उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं। असलम का पता मंजूर से मालूम हो सकता है। और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए खिड़की के रास्ते उतरना चाहा, लेकिन मेरा पांव फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ी, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। अच्छा तो ये बात थी, तुम हमारे साथ उस बदमाश के घर चलो। वो सलमा का सुनते ही परेशान हो गए और असलम साहब का पता मालूम करने के लिए मंजूर साहब की तरफ गए। मंजूर की तरफ?